मैं राजेश शर्मा हाजिर हूं आप लोगों के समक्ष जेई और नीट की एग्जाम के संदर्भ में। दोस्तों, बड़ी जद्दोजहद के साथ राजनीतिक पार्टियों, सरकार, एनटीए और शिक्षाविदों के सभी की जद्दोजहद के बाद में पहले से जो डिसाइड डेट थी 1 से 6 सितंबर के बीच एग्जाम हो रही है जेई की और 13 सितंबर को हो रही है नीट की। जेई की एग्जाम या नीट की एग्जाम दोनों ही अपने आप में राष्ट्रीय एग्जाम है, बड़ी एग्जाम्स हैं, काफी संख्या में स्टूडेंट्स बैठते हैं, साथ में ही कोरोना महामारी भी है, खतरा भी है, मगर हम लोग सभी सावधानियों को पूरा करेंगे। स्टूडेंट से मैं कुछ कहना चाहूंगा, उनके अभिभावकों से भी, कि जेई की एग्जाम अभी कल से शुरू हो रही है 1 सितंबर से लेकर 6 सितंबर तक ऑनलाइन मोड में एग्जाम होगी। ये सेंटर पर ये 2 पारियों में एग्जाम है, एक 9 से 12 है, एक 3 से 6 है। स्टूडेंट्स अवेयर रहें कि आपको अपने एग्जाम टाइम से 1 घंटे पहले कम से कम वहां पहुंचना है। रास्ते में सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी पालना करनी है, मास्क लगाकर आना है। हालांकि सेंटर पर भी आपको जानकारी के अनुसार मास्क मिलेगा, साथ में सैनिटाइजर की बोतल भी छोटी जो ट्रांसफरेबल हो वो आपको लानी है, ताकि रास्ते में भी आप सावधानी पूर्वक रह सको और सेंटर पर भी वो ले जा सकते हो। एक और बात है जो बताने योग्य है, आपको एग्जाम के बाद में परमिशन कार्ड जो है वो जमा कराना है सेंटर पे, वहां व्यवस्था मिलेगी ऐसी। अगर आप उस कार्ड को जमा नहीं कराते हैं, एडमिट कार्ड को जमा नहीं कराते हैं, तो रिजल्ट या कॉपी चेक होने में दिक्कत आएगी, ऐसा नहीं करें। ये स्पष्ट आदेश दिए गए हैं इस बार कि एडमिट कार्ड आपको वहां जमा कराना है, साथ में ही एडमिट कार्ड आप लेके आओगे, एडमिट कार्ड पर यहां जब एग्जाम दोगे उस समय एक अटेंडेंस सीट आपको मिलेगी, उसमें आपको एक पासपोर्ट साइज फोटो लगानी है, तो आप 2 पासपोर्ट साइज फोटो साथ लेकर के आए, ताकि एक वहां लगाई जा सके, एक आपके पास सुरक्षित रह जाएगी। आप फुल स्लीव्स के जो कुर्ते हैं वो नहीं चलेंगे, इसमें आपको हाफ बाजू के टी शर्ट या शर्ट या कुर्ता पहन करके आना है। शूज और सॉक्स से भी आप इस एग्जाम में बचकर रहेंगे, शूज सॉक्स पहनकर आपको नहीं आना, स्लीपर पहन करके आप आ सकते हैं, ताकि उसमें आपको कोई एग्जाम के दौरान दिक्कत नहीं आए। इसके अलावा तैयारी आपकी फुल है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आराम से आप एग्जाम दीजिए सेंटर पर जाकर, न किसी बात का खतरा है न डर है, लेकिन सावधानी पूरी रखनी है, मास्क लगाकर ही रखना है, सैनिटाइजर आपको साथ रखना है, उसे आप हैंड वॉश करते रहें आधे आधे घंटे में घंटे में, जैसा भी आप उचित समझे, और सोशल डिस्टेंसिंग की आपको पालना करनी है, भले ही वो एग्जाम सेंटर हो, भले ही आप घर से आ रहे हो, भले ही आप घर जा रहे हो, और बेटर तैयारी के साथ आप एग्जाम दीजिए, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।